नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस में एक नई भर्ती आ चुकी है जिसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसा कि दोस्तों आप देख सके हो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसकी पोस्ट यहाँ पे दोस्तों 6160 पोस्ट रहने वाली है, मात्र एक एग्जाम इसमें आपसे कंडक्ट करवाई दी जाएगी और दोस्तों इसकी नौकरी अपने जिले में लगने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती है जिसमें दोस्तों यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है, नई रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले कि क्या क्वालिफिकेशन में रहने वाली है, एग्जाम डेट कब है दोस्तों, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कितनी पोस्टें निकाली गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि दोस्तों आपको पूरी जानकारी आसानी से मिल सके। बाकी दोस्तों अप्रेंटिस से अगर कोई दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट है जिसको अप्रेंटिस के बारे में नहीं पता, उसको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा कि अप्रेंटिस क्या होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, कैसे ज्वाइन करना होता है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, जो जो यहाँ पर जानकारी मिली दोस्तों वो सारी आपके लिए मैं कलेक्ट करके ला चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें कितनी वैकेंसी दी गई, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्ट 6160 पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 2685 पोस्ट रहने वाली है, ओबीसी की 1389 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 603 पोस्ट है, एससी वालों की 989 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, एसटी वालों की 514 पोस्ट दी गई है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वैकेंसी पर। दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बहुत ध्यान से देखना जिससे कि आपकी कोई भी पार्ट मिस ना हो। चले दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, यहाँ पर आपके फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना है। 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर रहने वाली है। एग्जाम अगर आप इस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इसकी लास्ट फीस है वो 21/9/2023 आप अप्लाई यानी कि फीस जमा कर सकते हैं, 21 सितंबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं ऑनलाइन जो जमा करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें तो अक्टूबर-नवंबर 2023 में इसकी एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया गया है दोस्तों। ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वैकेंसी डिटेल आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, इसमें एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले रिलीज हो जाएगा, एडमिट कार्ड की जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। एप्लीकेशन लिंक, एप्लीकेशन फीस की बात करें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, एससी एसटी वालों की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। तो दोस्तों एससी एसटी वालों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको कुछ इसमें करना नहीं होता, एक साल का टाइम पीरियड होता है दोस्तों जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, वो सैलरी कितनी मिलने वाली है नोटिफिकेशन में सैलरी भी अनाउंस की गई है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों आपके शहर में आपकी नौकरी लगती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपकी सिटी में नौकरी लग सकती है जिससे कि आप टाइम से जा सकते हैं, टाइम से आ सकते हैं, तो दोस्तों आपको अप्लाई जरूर करना है। बाकी दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों इसमें एसबीआई के अप्रेंटिस की वैकेंसी है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं, मिनिमम एज इसमें 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 28 साल रखी है, और एक्स्ट्रा यहाँ पर एज रिलैक्सेस में छूट दी गई, जैसे कि ओबीसी यहाँ पर दोस्तों ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी गई, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें दोस्तों सबसे पहले उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है वो आगे आपको बताने वाला हूँ। सैलरी आपकी यहाँ पर 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होने वाला है, एग्जाम सेंटर आपको अपनी सिटी में मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें दोस्तों बहुत सारी पोस्टें दी गई, हर एक स्टेट से पोस्टें दी गई, मतलब भारत के सभी राज्यों के लिए ऑल इंडिया की वैकेंसी है दोस्तों, तो सभी स्टेट से वैकेंसी निकाली गई है, तो आप कोई से भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर दिया गया लोकल लैंग्वेज टेस्ट, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि सर ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या है, इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग आप अप्लाई करते हो, जैसे कि आप गुजरात से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अगर आप तमिलनाडु से तमिल से वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी आपको तमिल आनी चाहिए, यानी कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका आपका टेस्ट लगेगा कि आपको वो लैंग्वेज बोलना आती है नहीं आती, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली आपका बैंक में काम करोगे तो वहाँ के जो लोग आएंगे आपसे बातचीत करेंगे उस अपनी लोकल लैंग्वेज भाषा में बात करेंगे, तो वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आपको सीख लेनी है अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अदर स्टेट में। बाकी दोस्तों मेरी राय ये है कि आप सभी स्टूडेंट अपने अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों 1 साल का टाइम होता है, बढ़िया सैलरी मिलेगी, आपका अपनी स्टेट में जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें, एग्जाम सेंटर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आपकी बारी आई स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देख लें दोस्तों, चलते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में।
चले दोस्तों, अपन आ चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर चुके हैं यहाँ पर। तो चले अपन नीचे चलते हैं, थोड़ा स्टेट बैंक की वैकेंसी है जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था कि इसमें लैंग्वेज में आपका टेस्ट होने वाला है लोकल लैंग्वेज में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं, जैसे कि गुजरात स्टेट दे रखा है। तो गुजरात में यहाँ पर आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर आप आंध्र प्रदेश से यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते तो आपको उर्दू आनी चाहिए। बाकी किसमें यहाँ पर डबल डबल यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शनल लैंग्वेज भी दे रखी है। जैसे यूटी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अगर आप हिंदी चलती है तो हिंदी आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाबी ऑप्शनल लैंग्वेज है, हिंदी भी वहाँ पर यूज होती है, तो अधिकतर आपको हिंदी आती है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे स्टेट है, सभी स्टेट में लोकल लैंग्वेज भी है, हिंदी भी है। तो अगर आपको यहाँ पर अदर स्टेट में अप्लाई करना है तो उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप खुद के स्टेट से अप्लाई करते हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आप देख एससी वालों के लिए पोस्ट दे रखे, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यू एस सबकी पोस्ट दे रखी, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके डिटेल वाइज वैकेंसी हर एक यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। 6100 वैकेंसी लगभग वैकेंसी है, एससी एसटी ओबीसी में डिवाइड किया गया है। तो आराम से देख सकते हैं, ओबीसी नोटिफिकेशन है, ओबीसी नोटिफिकेशन का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ओबीसी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों आगे बात करते हैं, अपने डिटेल आगे आगे क्या मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आराम से नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप। जैसा कि दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देख चुके हैं कि कितनी वाइज में वैकेंसी है, डिटेल वाइज वैकेंसी दे रही है लोकल लैंग्वेज अदर स्टेट की, तो आपको समझ में आ चुका होगा, आपका आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहे। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, इसमें रिटर्न में क्या आपके सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट की, रिटर्न सिलेबस की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की 1/4 रहने वाली है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के कुछ वो मार्क्स के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 60 मिनट आपको दी जाएगी, यानी पूरा एक घंटे का टाइम है। 100 क्वेश्चन आपके पास है, 100 नंबर के क्वेश्चन। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल आपका यहाँ पर अवेयरनेस रहने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली जीके जीएस में आ जाता है। जनरल यहाँ पर इंग्लिश रहने वाली है, मैथ्स रहने वाली है, रीजनिंग कंप्यूटर रहने वाले। सभी पार्ट के 25-25 क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे जाएंगे। सभी आपको सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 15 मिनट दी जा रही है, टोटल आपको 60 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमको नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बाकी एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक साल का आपको टाइम देना है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 15,000 आपको सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों अपने घर बैठे नौकरी, आपके डिस्ट्रिक्ट में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसको फॉर्म अप्लाई जरूर करिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन चालू करके आपको टाइम से टाइम अपना लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट पर सभी वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।